तो मैं हिंदी के कुछ SSC के जो SSC ये भी ASO APSC के क्वेश्चन में मैं आ सकता है, तो आप इसको ज़रूर देखें और प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लुईस ब्लेल। विश्व बाल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये सब इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको एक नोट की तरह करके आपको बता रहा हूँ। कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को बताया जाता है। भारत पर्यटन दिवस 15-25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत पर्यटन दिवस। तबे गणतंत्र दिवस, ये तो सभी को पता है कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। उसी दिन ये दोनों को मनाया जाता है, तो इसको याद रखिए। सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व केसर दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसको याद रखने के लिए विश्व केशव दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। गुलाब, इसका मतलब है 12 जनवरी को, 12 जनवरी को सब गुलाबी गुलाबी हो जाता है। इसी तरह ही याद रखना पड़ेगा आपको। तो वेलेंटाइन दिवस 4 जनवरी को सब कुछ वेलेंटाइन के जैसा दिखने लगता है। इसी तरह मैं याद रखने के लिए मैं इसे बोल रहा हूँ। तो 21 जनवरी को क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की 21 जनवरी को हमारा जो माता है वो जन्म किए थे। तो मातृभाषा को, हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को ऐसे ही याद रखा जा सकता है। 26 जनवरी, 26 जनवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। तो हमारा जो खाद्य पदार्थ उत्पाद होता है तो वो 26 जनवरी, 26 फरवरी, 26 फरवरी को याद रखने के लिए मनाया जाता है। तो ये सभी को पता होगा, उत्पाद से हमको 24 आंकड़ा चाहिए, 24 के फायदे होना चाहिए। इसी तरह आप याद रख सकते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जनवरी को, 28 जनवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय विज्ञान, इसका मतलब है, ये तो सभी को पता होगा कि विज्ञान में 28 एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि 28 से सब कुछ बन सकता है। 0 भी हो सकता है, 00 भी हो सकता है। तो इसको याद रखने के लिए एक ही तरीका है, तो ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आपको ये ज़रूर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय जो सुरक्षा दिवस है बेसिकली डिफेंस MCQ में ज़रूर आता है। तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को ये तो सभी को ही पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि ये तो हम पहले से ही 6th या 7th क्लास में ही पढ़ा होगा। तो केंठों बल की स्थापना दिवस ये 12 मार्च को ज़रूर, दोस्तों इस क्वेश्चन को ज़रूर याद रखना, क्योंकि इस क्वेश्चन जब हर वक्त पड़ता है 12th मार्च को। तो और एक क्वेश्चन है, आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को ये बनाया जाता है। ये 18 मार्च को हमारा आयु हो जाता है। आयु से आप 18 के पहले, 18 के
बाद सब वोट दे सकते हैं, इसीलिए इसको आयुध निर्माण दिवस कहा जाता है। तो विश्व वाणी, ये तो सभी को याद होगा, विश्व वाणिज्य दिवस वाणिज्य की 21 मार्च को वाणी दिया था, विश्व वाणिज्य, विश्व ने वाणिज्य दिया था, वाणिज्य विश्व 21 मार्च को वाणी दिया था। इसी तरह आप याद रख सकते हैं कि और एक है भारत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीद दिवस। ओह, सुखदेव सिंह, भगत सिंह जो भगवत सिंह है, और सुखदेव और राजगुरु, इसको याद रखने के लिए 23 दिसंबर को याद रखा जाता है। तो 23 दिसंबर ये याद रखने के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 23 दिसंबर में एक भगवत सिंह जन्म हुआ था, और जो कि सुख देता है और राज्य पाने के लिए सब कुछ दे देता है। तो वो 23, हमको 23 का आंकड़ा मिलेगा तो हम सिंह बन सकते हैं, सुख पा सकते हैं और राज करेंगे। इसी तरह 23 जनवरी को हम 23 को हमको पाना होगा, इसी तरह आप याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, जो मौसम है वो 23 मार्च, आप याद रखना पड़ेगा कि 23 मार्च को हमारा जो मौसम है वो बिगड़ जाता है। आपको ज़रूर पता होगा कि 23 मार्च में जो हमारा मौसम है पूरे तरह से तोड़ मोड़ कर रख देता है, और उसी दिन इंडिया के सभी दिशाओं में, सभी राज्यों में तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा फ्लड सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो जो विश्व के विश्व टीट बीट दिवस 26 मार्च को मनाया जाता है, और ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस 26 मार्च को मनाया जाता है। तो 26 मार्च को जो टीट बीट है, विश्व 26 मार्च को ऐसे कैसे याद रखेंगे, जो ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस, जो हमारा जो प्रधानमंत्री का जो ग्रामीण डाक जीवन दिवस, उसको पाने के लिए हमको टीट बीट करना पड़ेगा। मतलब एग्ज़ाम में हमको हमारा जो दिमाग है तोड़ मड़ कर रख देता है, मतलब टीट बीट कर। तो 26 मार्च को ऐसा ही होता है, 26 मार्च को हमारा जो डाक पोस्टल है उसको पाने के लिए हमको टीट बीट करना पड़ेगा, मतलब हमारा माइंड को टीट बीट करना पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गणेश शंकर दिव्यज्ञानी का बलिदान दिवस, जो हमारा गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस, जो गणेश एक विद्यार्थी था जो कि उसका बलिदान दिया गया था 25 मार्च को। तो 25 मार्च को हमारा भी लगभग उसी टाइम गणेश चतुर्दशी आ जाता है, इसे ही याद रखना पड़ेगा। 25 मार्च को गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस हमको याद रखना पड़ेगा, कि 25 मार्च को गणेश शंकर बाबा गणेश नाथ आ रहे हैं 25 मार्च को। तो और एक है बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय दिवस है वो 26 मार्च को हुआ था, जो हमारा जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय दिवस है वो 26 मार्च को मनाया जाता है। इसको सब याद रखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बार क्वेश्चन आ चुका है, लगभग 3 से 4 बार 2 साल के बाद भी आ चुका है, तो इसको याद रखना पड़ेगा। जैसा हमारा 26 जनवरी, उसका 26 मार्च, विश्व का जो थिएटर है तो 27 मार्च को हर जगह थिएटरिंग करा जाता है, इसी तरह याद रखना पड़ेगा। 27 मार्च को थिएटरिंग करते हैं, वहाँ पर बड़ा बड़ा
सुंदर नृत्य होता है जिसको देखने के लिए करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं 27 मार्च को। वो इस इज द बिगेस्ट पोजिशन, दिस इज द बिगेस्ट वे एंड इट इज द मोस्टली एंटरटेनमेंट टाइम। ऐसे ही याद रखना पड़ेगा कि 27 मार्च को विश्व के जो थिएटर में रंगीन रंगीन कार्यक्रम होते जाते हैं, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस ये सबको याद रखना पड़ेगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस है क्योंकि साथ है एक बुढ़ा, क्योंकि आप देखते हो, आप देख रहे हो कि साथ एक बंकपुली बाड़ी की तरह खड़ा हुआ है जो कि एक बुढ़ा है। तो बुढ़े का स्वास्थ्य क्या होता है, उसका स्वास्थ्य के बारे में सभी लोग पूछते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है और बुरा है। तो ऐसे ही याद रखना पड़ेगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को पढ़ा जाता है। 14 अप्रैल जो अंबेडकर जो जयंती है वो 14 अप्रैल को पढ़ जाते हैं, क्योंकि अंबेडकर जो जयंती है वो अंबेडकर है, अंबेडकर कैसे कहा जाता है, 14 अंबेडकर आमलेट हमें हम जो आमलेट करते हैं तो एक प्लेट और एक खड़ी का चाहिए, जिसको कि आमलेट अंडा के अंडा में अंडा आमलेट अंडा प्लेट में पकाकर उसको भाज सकते हैं। तो एक है एक को 14 को अंबेडकर का जयंती मनाया जाता है 14 अप्रैल। अंबेडकर कौन है ये भी पूछा जाएगा कि अंबेडकर कौन है, वो लॉ मिनिस्टर है, हमारा पहला लॉ मिनिस्टर अंबेडकर है, वो संविधान का प्रणयन करता है। तो अंबेडकर हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर है। इसी तरह विश्व वैमानिक दिवस 14 अप्रैल में सब कोई बेमानी नहीं कर सकते हैं, बेमानी की ऐसे ही याद रखना पड़ेगा कि 14 अप्रैल को जो हमारा अंबेडकर है वो बेमानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर विश्व बेमानी के दिवस भी मनाया जाता है। 17 अप्रैल को आपको याद रखना पड़ेगा विश्व हीमोफीलिया दिवस, ये याद रखना पड़ेगा। हीमोफीलिया आ गया एक बुढ़ा है, 17 एक बुढ़ा है जो कि 7 एक बुढ़ा है जो कि एक बंकुली बाड़ी धर कर खड़ा हुआ है एक। तो 17 अप्रैल को हमें फूलिया दिवस मनाया जाता है। अप्रैल में बेसिकली स्वास्थ्य पर बेसी पाया जाता है। विश्व विरासत दिवस, तो 17 के बाद वो अप्रैल को विरासत ले जाता है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता, जो हमारा जो वो ओल्ड मैन है वो और कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो वृद्ध हो चुके हैं। तो उनको 18 माना जाएगा ना कि 17। तो पृथ्वी दिवस, तो वो अभी पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है 18 के बाद 22 को, क्योंकि 18 उसका 19 20 और 21 ये 3 साल वो थोड़े देर जीवित रहेंगे, उसके बाद पृथ्वी से विदा नहीं जाएंगे, जो कि पृथ्वी दिवस कहा जाता है। दोस्तों मैं इसलिए इसका इस स्टोरी को बता रहा हूँ क्योंकि आप इजीली इसको याद रख सकते हैं। तो 22 अप्रैल को वो पृथ्वी छोड़ दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वो पृथ्वी छोड़ देता है। और 23 अप्रैल को वो क्या करता है, विश्व पुस्तक दिवस, आपको याद हो जाएगा क्योंकि 23 अप्रैल उसके बाद एक साल के बाद उसका जो
वो कुछ अच्छा कर रहा है उसका एक बुक लिखा जाएगा एक ऑथर के तरफ से, तो उसके पास मे आ जाएगा एक मे, और 23 से 7 साल के बाद कुछ भी नहीं हुआ, तो एक मे को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये आप याद रखेंगे विश्व श्रमिक दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो लेखक है उसको भी और कुछ लिखना है कि वही पर ही वो अटके जाए, तो उसको विश्व श्रमिक दिवस के बारे में वो लिखे, क्योंकि जो मर गया था वो श्रमिक के लिए बलिदान दे चुके हैं। और उसके 2 साल बाद मतलब 3 मार्च में को जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि श्रमिक हुए तो उसका जो नाम है वो तो प्रेस में ज़रूर आएगा, मतलब न्यूज मतलब संवाद में तो ज़रूर आएगा, क्योंकि वो इतना महान जो है। सो इसी तरह आप याद रख सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैं गिने चुने सभी कुछ को यहाँ पर कहूँगा कि इसको याद रखें, ये ज़रूर क्वेश्चन आएगा और मोस्टली इम्पोर्टेंट भी है। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ, यदि अच्छा लगा तो शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करो और प्लीज़ थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दो प्लीज़।